जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस शानदार डिफेंस वाला चैनल पे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफेंस अपडेट सामने आया है, इस वजह से मैं आज आपके लिए सैटरडे की जगह मंडे को ही एक अपडेट लेके आ गया हूँ, तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। एक पुरानी खबर ये थी कि भारत ने रशिया के साथ एक डिफेंस डील करी थी S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर। अब इस मिसाइल सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा, वन ऑफ द बिगेस्ट डील्स है, डिफेंस डील जो भारत ने आज तक कभी किसी देश के साथ करी है, और ये रशिया के साथ भारत ने करी थी। एज यू कैन रीड हियर, इंडिया इंक्स $5.43 बिलियन, ये पूरी डील रही है। ठीक है, ये खबर आप देख सकते हैं, समवेयर अराउंड 5 अक्टूबर 2018 की खबर है। उसके बाद अभी रिसेंटली यहाँ पर क्या हुआ, इंडियन एक्सप्रेस ने भी आर्टिकल निकाला और उन्होंने 18 नवंबर 2021 जब व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे नवंबर के मंथ में, तो उसके अक्रॉस हमको पता चला था कि जो S-400 की डील भारत ने करी थी रशिया के साथ, उसकी डिलीवरी भारत को स्टार्ट हो गई है, और तभी ये आर्टिकल यहाँ पर इस मीडिया में निकला था। एक्सप्लेनेशन था यहाँ पर S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में। देन उसके बाद आप देखिए, अभी ये रिसेंटली न्यूज़ आई है, सैटरडे या फ्राइडे की ही न्यूज़ है, जहाँ पर ये पता चला है कि जो S-400 मिसाइल सिस्टम भारत को मिला था उसको अब डिप्लॉय भी कर दिया गया है। तो चाइना और पाकिस्तान भारत से घबराए हुए हैं, जानेंगे इस सिस्टम के बारे में कि एग्जैक्टली ये सिस्टम कैसे वर्क करेगा और किस तरह से पाकिस्तान और चाइना के एरियल थ्रेट से हम लोग अब अपने आप को मजबूत बना चुके हैं। तो एज यू कैन रीड, NDTV का ही यहाँ पर ये आर्टिकल है, फर्स्ट S-400 स्क्वाड्रन डिप्लॉयड टू टैकल पाकिस्तान एंड चाइना अगेंस्ट दर एरियल थ्रेट्स। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसके कुछ पहले से बेसिक्स बता देता हूँ कि ये मिसाइल सिस्टम एग्जैक्टली है क्या। देखिए, ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर मिसाइल का मतलब कि सतह से इसको आप लॉन्च करेंगे और मिसाइल ये हवा में जाकर जो भी एरियल थ्रेट है उनको हिट करेगी। ठीक है, तो सरफेस टू एयर मिसाइल जो इसका एब्रीविएशन है वो SAM से जाता है, और ये एक आप देखिए मॉडर्न लॉन्ग रेंज की मिसाइल है। तो एक जो एब्रीविएशन इसका फुल फॉर्म आप कभी देखेंगे तो इट इज रिटन एज MLR एंड SAM, इस नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब इस मिसाइल सिस्टम का खास बात क्या है कि ये किसी भी प्रकार के टारगेट्स को ये टैकल कर लेता है, चाहे वो UAVs हो, जिसका मतलब या वो ड्रोन्स हो, या किसी प्रकार की मिसाइल हो, चाहे वो क्रूज मिसाइल हो, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, किसी भी प्रकार का अगर एरियल थ्रेट आ रहा होगा तो ये मिसाइल सिस्टम हमको बता देगा, हमको इन्फॉर्म कर देगा और हम उस मिसाइल से अपने आप को बचा सकेंगे। ठीक है, तो ये देखिए एक पूरा सिस्टम है, सिस्टम की तरह वर्क करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मिसाइल है, ये एक एंटायर मिसाइल का सिस्टम है। कैसे काम करता है मैं आपको इसके बारे में दिखा देता हूँ। एक बार आप इस पर्टिकुलर पिक्चर को देखने की कोशिश करिए, यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि देखिए, एक इसमें पहले लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार सिस्टम लगा हुआ है। तो क्या होता है, अगर कोई एरियल थ्रेट आ रहा होता है तो ये रडार उस एरियल थ्रेट को पहले डिटेक्ट कर लेता है। उसके बाद देखिए इसमें कमांड व्हीकल है, जैसा कि इसको रीड करता है रडार अकॉर्डिंगली आगे के लोगों को कमांड जाता है, एंड देन यहाँ पर एक एंगेजमेंट रडार लगा हुआ है। ये एंगेजमेंट रडार उस पर्टिकुलर टारगेट को, जो आपका एनिमी है, उसको ट्रेस लगातार करता रहेगा और फिर ये लॉन्च व्हीकल यहाँ से इस तरह से मिसाइल दागेगा और वो मिसाइल आते हुए एरियल थ्रेट को, किसी भी प्रकार का एरियल थ्रेट हो, चाहे वो क्रूज मिसाइल हो, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे वो किसी प्रकार का ड्रोन हो, कोई भी एरियल थ्रेट है उसको मार गिराएगा। ठीक है, अब मैंने आपको क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल का डिफरेंस भी बताया हुआ है ना, मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपकी धरती है, तो अगर कोई मिसाइल फॉर एग्जांपल यहाँ से इस तरह से दागी गई है, अगर उसका ट्रैजेक्टरी कुछ इस तरह रहेगा तो उसको हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल। और अगर कोई मिसाइल मान लीजिए इस तरह से यहाँ से लॉन्च करी गई और फिर वो अर्थ के काफी, जमीन के काफी सतह के बराबर पैरेलल ट्रैवल करेगी, कुछ इस तरह से ट्रैवल करेगी, तो उसको हम लोग यहाँ पर क्रूज मिसाइल कहते हैं। ठीक है, दोनों के फायदे नुकसान भी हैं। बैलिस्टिक मिसाइल चूंकि काफी ऊपर जाके ये नीचे आती है, ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए काफी तेजी से ये टारगेट को हिट करती है और डिस्ट्रॉय कर सकती है, लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि आपका एनिमी अगर यहाँ पर था तो इतनी दूर पे वो रडार की रेंज में आ जाता है और बैलिस्टिक मिसाइल इजिली ट्रेस हो जाती है। लेकिन क्रूज मिसाइल चूंकि वो धरती के बहुत ही, जमीन के बहुत ही पैरेलल फ्लाई करता है, इस वजह से उसको रडार में कैप्चर करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो रशिया से हमको मिला और अब हमने उसको पंजाब के सेक्टर में डिप्लॉय भी कर दिया है, तो पाकिस्तान से आने वाला कोई भी थ्रेट हमारे लिए अब बहुत ही आसान हो गया है उसको टैकल करना।
इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह भी है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाइना के पास भी इस प्रकार का डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। उन्होंने भी पहले ही अपने यहाँ पर सेक्टर्स में इसको डिप्लॉय कर रखा है, S-400 को। अब भारत के पास भी S-400 आ चुका है, तो चाइना को इसलिए यहाँ पर डर है कि अब भैया, क्योंकि जैसे कि उनके पास ही सिस्टम था हमारे किसी मिसाइल को टैकल करने का, अब हमारे पास भी है। सो इंडिया इज नाउ एट द सेम फुटिंग। अब वो भारत नहीं रह गया जो पहले डरता था, अब हम डिफरेंट डिफरेंट जगह डिफरेंट वक्त के हिंदुस्तान हैं, ठीक है। तो एज यू कैन रीड, अब एक एक इशू यहाँ पर और है कि इस पूरे सिनारियो में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का क्या सिचुएशन है। यूएस ने बेटा यहाँ पर एक एक्ट पास किया था जिसको हम लोग बोलते हैं काट्सा एक्ट, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। अब ये एक्ट क्या कहता है, ये एक्ट कहता है अमेरिका ने इस एक्ट में क्या प्रोविजन रखा कि अगर हमारा कोई हमसे कोई डील कर रहा है मान लीजिए, और अगर वो देश ईरान रशिया और नॉर्थ कोरिया के साथ किसी प्रकार का डील करता है तो हम उस पे क्या करेंगे, प्यूनिटिव मेजर्स लेंगे। तो भारत चूंकि यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ काफी सारी डिफेंस डील भी कर रहा है, लेकिन रशिया से उसका पुराना बॉन्ड रहा है, तो अमेरिका को ये चीज रास नहीं आती है, ठीक है। लेकिन भारत ने फिर भी इस चीज को भी साइडलाइन करते हुए यूएस के साथ ये डील इंक करी, और अब हमको ये S-400 मिसाइल सिस्टम्स, पूरा सिस्टम हमको मिल गया है, हमने इसको डिप्लॉय भी कर दिया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है प्रेजेंट डेवलपमेंट जिसके लिए मैं आज सामने आया था। यहाँ आप देखिए, इंडिया डिप्लॉयज फर्स्ट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इन द पंजाब सेक्टर, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर एक मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये है आपका पंजाब सेक्टर। इस पंजाब सेक्टर में यहाँ इसको डिप्लॉय किया गया है, और पंजाब सेक्टर में डिप्लॉय किया है तो ये पाकिस्तान से लगी हुई लाइन जो है हमारी LOC को भी हमने यहाँ पर ध्यान रख लिया, और चाइना से लगी हुई जो लाइन है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उसको भी हमने टैकल कर लिया। तो चाइना ने एक यहाँ पर अपना ही सिस्टम डिप्लॉय कर रखा है S-400 का, एक समवेयर अराउंड आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश के। तो चाइना हम पे इस तरह से निगरानी रख रहा है, रडार सिस्टम्स लगाता है, अब इंडिया के पास भी आ गया है। और ये खबर भी आ रही है कि सूनर और लेटर, जैसे कि अभी हम यहाँ पर डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं इन दी वेस्टर्न पार्ट, सूनर और लेटर हम लोग अपने ईस्टर्न कमांड की तरफ भी अपनी इस पूरी सिस्टम को ले जाएंगे। देखिए ये शिफ्ट जो है ईस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ भी जाएगा। अब हुआ क्या कि इसको हमने इतनी जल्दी डिप्लॉय कैसे कर लिया, उसका सिंपल रीजन ये है। आप देखिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल आया था, द हिंदू ने इसको कवर किया है, न्यूज ऑन एयर में आया था कि सेकेंड बैच ऑफ इंडियन स्पेशलिस्ट अंडर गो S-400 मिसाइल ट्रेनिंग एज डिलीवरी नियर्स। मतलब जब डिलीवरी होने वाली थी उससे पहले ही हमारे जो अधिकारी थे यहाँ पर, आर्मी के अधिकारी, वो ऑलरेडी रशिया जा चुके थे। जब पूरा देश यहाँ पर हमारा कोविड से जूझ रहा था, पूरी दुनिया कोविड से लड़ रही थी, तो हमारे यहाँ ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स स्पेशलिस्ट, वो ऑलरेडी रशिया में उसकी ट्रेनिंग कर रहे थे। दिस इज वन ऑफ द वेरी बिग थिंग। यहाँ भी देखिए हिंदू ने लिखा हुआ है, इंडियन मिलिट्री पर्सनल फॉर मॉस्को सून आफ्टर S-400 ट्रेनिंग। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपके सामने था जिसको मैं आज आपके लिए लेके आया कि भारत ने अब S-400 सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया है पंजाब बॉर्डर्स पे, और पाकिस्तान और चाइना को हम आसानी से टैकल कर लेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, हैव अ गुड डे।